आई एम संजय कुमार सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर बीसी डिपार्टमेंट फ्रॉम महिला कॉलेज चाईबासा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग फॉर बीसीए सिक्स सेमेस्टर। टुडे दिस फर्स्ट लेक्चर, दिस इज फर्स्ट लेक्चर डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग। इस पेपर में सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग। देखिए, इसको हमने जो आपका सिलेबस है कोलहान यूनिवर्सिटी का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पॉइंट वाइज जैसे जैसे उसमें पॉइंट उसमें लिखा गया उसे मैंने बनाने का प्रयास किया है आपको मटेरियल और जो वीडियो लेक्चर है, ताकि इससे आपको समझने में सुविधा हो। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग का डेफिनेशन, जो उसमें देखिए दिया हुआ डेफिनेशंस, तो इसको मैंने क्लियर इसको आपको लिख के समझाया है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग इज ए फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट स्टडीज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। मतलब जो हमारा सिस्टम वर्क करता है, जो आप नेटवर्क में पढ़े हैं, जैसे वहाँ हम लोग बहुत सारे नेटवर्क को अलग अलग रूप से बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को अलग अलग नेटवर्क के रूप से इसको बांटा जाता है और पूरे कंपोनेंट्स को अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। देखिए, उसमें हमने लिखा है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रन्स विद इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज कॉल्ड ए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम। जैसे अगर उसके लिए प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, तो वो जो प्रोग्राम को लिख रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख रहे हैं और जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, उसको प्रोग्राम का प्रोसेस ऑफ राइटिंग सच प्रोग्राम, मतलब उस तरह के प्रोग्राम को लिखना ही डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग कहलाता है। इसका यूज़ देखिए कई जगह हम लोग करते हैं, HTTP जैसे हम लोग यूज करते हैं, जो आप इंटरनेट को जो यूज करते हैं, जो मैकेनिज्म है, तो इसके कई सारे इसका बेनिफिट है और आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हमने लिखा है, इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ए प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू मेनी टास्क ईच ऑफ विच इज़ सॉल्व बाई वन और मोर कंप्यूटर्स। इसमें क्या है कि कोई वर्क है, कोई टास्क है हमारा, जो कंप्यूटर्स हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर में उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल हमने एक कोशिश किया है कि उसका एक बेसिक उसको डिफाइन किया जाए। अब नेक्स्ट जो है, जो आपके टॉपिक में दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, कब से स्टार्ट हुआ, कैसे शुरुआत इसकी हुई। तो देखिए, इसको हमने सिंपल एक ब्रीफ में हमने हिस्ट्री दिखाया है। द यूज़ ऑफ कंकरेंट प्रोसेस विच कम्युनिकेट थ्रू मैसेज पासिंग हैज़ इट्स रूट्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर स्टडीज इन 1960s से इसको एक्चुअली लिया गया है, कि जो अब जब से ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है वहाँ से इसको देखा गया है कि उसमें लैन के थ्रू, जो इथरनेट के थ्रू यूज होता था, लैन के थ्रू वहाँ देखिए उसको इन्वेंट किया गया है 1970 में। उसके बाद अर्पानेट, जो हम लोगों ने इंटरनेट के थ्रू पढ़ते हैं कि इंटरनेट का शुरुआत अर्पानेट के थ्रू हुआ था, जिसका नाम पहले अर्पानेट था इंटरनेट के पहले, जो 60 के बाद स्टार्ट हुआ, और ईमेल 70 में इन्वेंट किया गया। फिर उसके बाद देखिए उसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया एप्लीकेशन को ईमेल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। फिर अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क आया, जैसे यूजनेट है, फिडोनेट है, 80s में ही आया। फिर ये सारा डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कशन सिस्टम के थ्रू से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसके बाद ये देखिए, इसको हम लोगों ने पढ़ा 70 और 80 के बीच में, इसको जानकारी लिया। फिर ये 82 में एक अलग से सिम्पोजियम, जो PODC बोलते हैं, सिम्पोजियम ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ये आया। और इसको अलग से DISC जो ओटावा में 1985 में एक इंटरनेशनल वर्कशॉप हुआ, वहाँ इसको डिस्प्ले किया गया। तो इस तरह से एक सिंपल एक हिस्ट्री था इसका। अब देखिए, एक टॉपिक आपका जो दिया हुआ है इसमें, जो इस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, क्या स्ट्रेंथ है इसका, वीकनेस, दोनों को बताना है। तो देखिए, हमने सिंपल इसको एक लिख के अपने प्रयास किया समझाने का। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज द मेथड ऑफ प्रोसेसिंग इन विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम आर रन सिमल्टेनियसली ऑन टू और मोर कंप्यूटर दैट आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर ओवर अ नेटवर्क। जैसे एक नेटवर्क हमारा है, उसमें एक या एक से ज़्यादा कई सारे कंप्यूटर जब अलग अलग प्रोसेस, मतलब कि एक ही प्रोग्राम से अलग अलग प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेट एक्चुअली कर रहे हैं, तो वो एक उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बोलते हैं। इसको अलग अलग डिवाइड भी किया है, हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर जैसे देखिए, चार पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट वेरिस दिखाया गया है, पैरेलल कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये चार एक मेनली बांटा गया है। वैसे इसका हम लोग आगे डिफाइन करेंगे, अलग इसको बताएंगे, इसका अलग अलग टाइप है इसका। अभी देखिए, दो हम लोगों ने इसमें ध्यान दिया था कि जो स्ट्रेंथ और वीकनेस, जिसको हम लोग एडवांटेज बोलते हैं और डिसएडवांटेज, तो इसका एडवांटेज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेज क्या है, इकोनॉमिकल, ये क्या है,
कई सारे कॉस्ट को ये रिड्यूस करता है डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग। स्पीड जब एक साथ कई सारे जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि इंक्रीज हो जाएगा काम, कई सारे काम एक साथ हम लोग आसानी से कर पाएंगे। रिलेबिलिटी, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई अगर एक फेल भी कर गया तो बाकी सब वर्क करते रहेगा क्योंकि नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। स्केलेबिलिटी, और कई सारे अगर नोड भी वर्क कर रहे हैं तो वर्क में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, इसे काम का इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है इसका, थोड़ा बेनिफिट। चार कुछ डिसएडवांटेज भी है, कम्प्लेक्स इसका जो प्रोग्रामिंग होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो कम्प्लेक्स होता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट सिक्योरिटी, क्योंकि इसको इलीगल अलग तरह से लोग इसको ना यूज़ करें, नेटवर्क में कोई तरह का प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, वो हमेशा एक थ्रेट बना रहता है, ठीक है। और एक नेटवर्क डिपेंडेंस, इसका एक सबसे बड़ा है कि चूंकि नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो अगर नेटवर्क फेल्योर हो गया तो ये सारा सिस्टम हमारा सब रुक जाएगा। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जाने, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब देखिए इसको हम लोगों ने लास्ट हमने बताया कि इसको जो कंप्यूटिंग को कैसे इसको डिवाइड किया गया है, ये देखिए हम क्लियर इसमें लिख दिए हैं दो मेजर टाइप है कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट का जिसको हम लोग समझ सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ पैरेलल कंप्यूटिंग, सेकंड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। वैसे अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया क्लस्टर कंप्यूटिंग, तो उसको देखिए हमने क्लियर कर दिया है कि जो बाकी जो दोनों के अलावा पैरेलल के और डिस्ट्रीब्यूटेड के अलावा जैसे क्लस्टर है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, ग्रिड कंप्यूटिंग, ये सब जो है उस कंसेप्ट को मतलब पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड को कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने का ये वेज है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्लियर है कि दो पार्ट में इसको हम लोग बांटेंगे, एक पैरेलल और एक सेकेंड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए पहला जो कंप्यूटिंग है पैरेलल कंप्यूटिंग, इसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि कहता है इसमें हैज ए प्रोसेसर, इसमें क्या होता है हमारा कंप्यूटर में क्या होता है प्रोसेसर होता है जो कई सारे प्रोग्राम को रन कराता है। देखिए सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसको ध्यान समझिएगा। जैसे देखिए कंप्यूटर को हम लोग देते हैं, मान लीजिए उसको कुछ वर्क दे रहे हैं, 1+2 ब्रैकेट में देखिए दिए हैं मल्टीप्लाई फिर 10-7। अगर मान लीजिए इफ़ यू हैव ओनली वन प्रोसेसर तो क्या करेगा, पहले कैलकुलेट क्या करेगा, 1+2 कर लेगा ब्रैकेट के हिसाब से फिर 10-7 करेगा एंड देन बोथ दीज रिजल्ट विल बी मल्टीप्लाई, तब क्या करेगा दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेगा। बट इमेजिन वी हैड टू प्रोसेसर, अगर सपोज डेट आपका दो प्रोसेसर आपके सिस्टम है तो क्या होगा, पहला प्रोसेसर क्या कर लेगा, पहला वाला वर्क कर लेगा मतलब 1+2 कर लेगा, उसी टाइम में 10-7 भी कर लेगा और तुरंत मल्टीप्लाई करके दे देगा, तो कितना रिजल्ट फास्ट हुआ हमारा। तो ये क्या हुआ कि इसमें दो प्रोसेसर लगा हुआ था इसलिए काम हमारा जल्दी हो गया। तो ये अगर कहते हैं नाउ दिस एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम टू ब्रेक ए लार्ज टास्क into a smaller task in such a way that these smaller one can be executed independently at the same instance of time is called parallel computing। मतलब बड़ा काम अगर वर्क दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं और उसको अगर हम लोग छोटे छोटे टास्क में अगर उसको डिवीजन कर दे डिवाइड कर देते हैं और उसको एक समय में अगर सारे काम को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पैरेलल कंप्यूटिंग। देन पैरेलल कंप्यूटिंग देखिए लिखे हैं कैन ओनली टेक प्लेस इफ़ यू हैव मोर देन वन प्रोसेसर, और क्लियर है कि पैरेलल कंप्यूटिंग तब होगा जब हम एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज करेंगे मतलब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम यूज करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। देन डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग, अब देखिए इसमें एक वहाँ भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किए हैं। सपोज डैट आई एम द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी का हमारा कंट्रोलर होता है, एग्जाम होता है जो लेता है, ठीक है। अगर हमें 100 एंसर शीट दे दिया गया, चलिए आपको 100 कॉपी मिला मुझे दे दिया गया और बोला गया कि आप चेक करके दे दीजिए, तो अब चूंकि मैं फिर क्या करूँगा, जो मेरे जो फैकल्टी जो टीचर होंगे मैं उनको बोला काम करो तुम इसको ले लो और आप इसको दे दो फटाफट, तो उस देखेगा भैया 100 कॉपी की चेक करना है टाइम लगेगा, तो वो क्या करेगा अपने जो असिस्टेंट टीचर होगा वो उसको सबको बांट देगा, ठीक है। अगर सपोज डेट मान लीजिए 5 टीचर है उसके पास, तो क्या करेगा 20-20 करके बांट देगा। अब देखिए वो सारे कॉपी को चेक करके वो तुरंत जो है पांचों फैकल्टी लाकर तुरंत वो दे देगा, तो एक दिन में सारे काम जितने भी कॉपी थे जितने भी ये जो आंसर शीट थे वो चेक हो जाएंगे। अगर वही काम अगर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या मैं करा तो सपोज क्लियर है कि वो कई दिन लगते, 5 दिन लगते। तो ये एक साथ जब कई सारे रिसोर्सेज अगर मिलकर काम करता है अलग अलग कंप्यूटर में अलग नेटवर्किंग के थ्रू तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब देखिए इसी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज क्लस्टर कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग व्हेन डन ऑन ए लोकल एरिया नेटवर्क, अगर उसको लैन के थ्रू अगर काम कर रहे हैं हम लोग दैट इज कॉल्ड क्लस्टर। जैसे अगर सपोज हमारा जैसे यूनिवर्सिटी में या हम लोग कॉलेज, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं एक ही साथ कई उसमें
एक ही क्लस्टर बना दे, मान लें एक पूरे कंप्यूटर लैब है, जैसे यूनिवर्सिटी में तो चलिए कॉलेज तो एक लैब है लेकिन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लैब अगर होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कई सारे जो बैंड होगा नेटवर्क जो बैंड होगा उसमें एक सिस्टम के थ्रू सबको एक क्लस्टर बना दिया गया और सबको उसको कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए ऑल द कंप्यूटर इन क्लस्टर कंप्यूटिंग आर कंटेन इन वन लोकेशन, और एक जगह से सारा कंट्रोलिंग हो रहा है। और उसमें क्या होता है, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, हार्डवेयर का स्पेसिफिकेशन भी सेम होगा, एक ही जैसा कंप्यूटर होगा, तो ये हमारा पूरा क्लस्टर कंप्यूटिंग में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रिड कंप्यूटिंग। अब देखिए अब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लस्टर और ग्रिड में क्या डिफरेंस है। जनरली क्या होता है कि जो भी हमारा ग्रिड सिस्टम है ये ज्योग्राफिकली अलग अलग, हम लोग इसको नेटवर्क में वैन जिसको बोलते हैं वो लैन के अंदर था, ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग हो गया, एक कॉलेज हो गया, एक यूनिवर्सिटी हो गया, लेकिन वैन के थ्रू अगर हम बांट देंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्रिड कंप्यूटिंग। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अब ग्रिड कंप्यूटिंग को देखिए तीन पार्ट में बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटिंग जिसको हम लोग कहते हैं हाई कैपेसिटी का, जहां हम लोग कई सारे मेमोरीज लगे होंगे, कई सारे प्रोसेसर लगे होंगे जो कई सारे वर्क करें, तो वहां हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटिंग। नेक्स्ट वन इज हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग, जहां कई सारे प्रोसेसर तो लगे होंगे लेकिन वहां पर क्या है, अलग अलग एक प्रोजेक्ट के रूप में सबको दे दिया जाएगा, ठीक है, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट के रूप में, एक ग्रिड बना दिया जाएगा ताकि हमारा वर्क कंटिन्यू हैवी वर्क हमारा चलता रहे। और लास्ट में ऑन डिमांड कंप्यूटिंग, ये क्या होता है, शॉर्ट टाइम, मतलब तुरंत रिक्वायरमेंट आया तुरंत उसको हम लोगों ने बांट कर उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके और वर्क को कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से ये तीन पार्ट में ग्रिड कंप्यूटिंग को बांटा गया था। तो ये सारा उसका टाइप्स थे। अब आपके जो सिलेबस है कुल्हान यूनिवर्सिटी के जो हमारा सिक्स सेमेस्टर में, उसमें देखिए दिया है बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हालांकि इसका एक पेपर हम लोगों ने अलग से थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था, फिर भी आपको यहाँ कह रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में उसको बेसिक ले लीजिए। तो सिंपल हमने लिखा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज, क्लियर है, आप लोग पढ़े होंगे फिर भी एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। OS क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो हमारा हार्डवेयर रिसोर्सेज है, उसके बीच में इंटरमीडिएट काम करता है और सबको एक आपस में कम्युनिकेट कर देता है। सिंपल है कि वाई टू लर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों सीखते हैं, तो क्लियर है ये हमारा हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर के बीच का इंटरफेस का काम करता है। ये जितने भी वर्क होते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारे वर्क को ये पूरा कंप्लीट करता है। कुछ इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है देखिए, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेसर मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, देन कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जो भी आपका सिस्टम परफॉर्मेंस है, जॉब अकाउंटिंग है, एरर डिटेक्टिंग एट, कोई अगर प्रॉब्लम आ गया तो उसको एरर सॉल्व करता है, ढूंढता है, और सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच कोऑर्डिनेट करता है। तो ये सारे उसके जो फंक्शन थे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो ये देख लीजिए, जैसे चार पॉइंट ने बांटा है, एक सिक्योरिटी, पूरे सिस्टम को सिक्योर बनाता है, पूरे कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सारे जो भी हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस करेगा उसे कंट्रोलिंग करता है, जॉब अलग अलग जो प्रोसेसर का जो जॉब्स होते हैं यूजर के थ्रू उसको ट्रैक क्रिएट बना के उसके रिसोर्स के रूप में उसको हैंडल करता है, एरर डिटेक्टिंग एड, जो भी एरर मैसेजेस होगा उसको वो डिबग करेगा, उसको वो सॉल्व करेगा, देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर रिसोर्स सॉफ्टवेयर एंड यूजर, और जो सॉफ्टवेयर हमारा इसमें इंस्टॉल है, जो हमारा कनेक्टेड है, जो कंपाइलर है, उसको वो यूजर के थ्रू कनेक्ट करने का प्रयास करेगा। तो ये जो अभी आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का जो सिलेबस था, हमने इसमें 6-7 जो टॉपिक इसको डिस्कस किया, इसको आप सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग उसको आप ठीक से इसको पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर और आगे बताऊंगा। थैंक यू।